नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 2024 का सेमीफाइनल आज से शुरू हो गया। 2023 का सबसे टफ चुनाव आज डिक्लेयर कर दिया गया है। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को फैसला आ जाएगा। आज से गिनकर 1.5 महीना बाकी है। कर्नाटक का जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ कर्नाटक का फैसला नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री के दो दावेदार मोदी और राहुल के भविष्य का फैसला होगा। पिछले 2 साल में जितने भी चुनाव हुए और अगले 1 साल में जो चुनाव होंगे उसमें कर्नाटक राहुल गांधी के लिए सबसे आसान चुनाव माना जा रहा है और मोदी के लिए सबसे मुश्किल, सबसे टफ चुनाव। कर्नाटक दक्षिण का ऐसा राज्य है जहां लगातार सरकार पलटती रही है। 3 बार से तो वहां बीजेपी किसी को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। करप्शन का मुद्दा वहां सबसे बड़ा मुद्दा है और वहां यह मुद्दा बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें हर सर्वे में सामने आ रही हैं और अब सारा का सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी पर आ टिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है जिससे ये सबसे मुश्किल बैटल जीती जा सकती है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी के पास विचारधारा है, मोदी हिंदुत्ववादी हैं, मोदी के पास राष्ट्रवाद की ताकत है, कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसाइसिव लीडर वाली छवि है। मोदी का यही अवतार उनका सबसे बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री के इसी फॉर्मूले से राहुल को लड़ना है, मगर राहुल के पास क्या है? इस वक्त राहुल न पॉपुलैरिटी के पैमाने पर मोदी के आसपास हैं। कांग्रेस की विचारधारा भी कंफ्यूज्ड लगती है, कांग्रेस का कैडर भी बहुत ही कमजोर दिखता है। मोदी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करते, लॉन्ग टर्म का रोड मैप रिलीज करते हैं। 14 और 19 के बाद 24 और 24 से आगे की बात करते हैं, पारी लंबी खेलते हैं। राहुल शॉर्ट टर्म गोल लेकर चलते हैं, उसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। राहुल का यह फॉर्मूला क्या है? यह फॉर्मूला है मोदी के खिलाफ पोस्टर पॉलिटिक्स, हर बार रिपीट मोड पर एक ही लाइन फिट। राहुल के फेवर में मेरा घर आपका घर वाली स्क्रिप्ट, उसी लाइन पर नए नए हैशटैग फिट, ट्विटर स्टॉर्म लाकर वही ट्रेंडिंग टॉपिक रिपीट, डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइंग के बहाने नए नए तराने, एक साथ कई लोकेशन पर मोदी विरोधी झूठे फसाने, बहाने ही बहाने। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह वैसे तो पंजा है, लेकिन इस वक्त पंजे में डरो मत वाला ही पर्चा है। कांग्रेस वाले यही बैनर पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि मोदी तो राहुल से डरते हैं, घबराते हैं। एक हफ्ते से हर रोज बंद कमरे में गोष्ठी होती है, सड़क से संसद तक हंगामे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। पहले कांग्रेस के सांसद बैठते हैं, फिर विपक्षी पार्टियों के साथ इन पर्सन मीटिंग होती है और इसके बाद की पिक्चर संसद के दोनों सदनों में दिखती है। लोकसभा और राज्यसभा शुरू होते ही मोदी के खिलाफ शोर शराबा, हो हंगामा, खुद को डिफेंड करने वाला, मोदी पर अटैक करने वाला, वही पुराना तराना। करप्ट लोगों को सपोर्ट वो कर रहे हैं, ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे ऐसी बात हो रही है कि हम तो उसकी चोरी पकड़ रहे हैं, उन्होंने जो अदानी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उनसे पूछ रहे हैं। वो उल्टा हमको बोल रहे हैं सारे अपोजिशन के लोग भ्रष्ट हैं अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। अरे आप तो बड़े बड़े चोरियां करके उनको डिफेंड करते जा रहे हैं और दूसरों को आप चोर बोल रहे हैं। तो क्या विरोधियों के इस फॉर्मूले पर ही लोग वोट करते हैं? जवाब है नहीं, अब तक तो नहीं। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वो मोदी के खिलाफ कुछ नया लेकर नहीं आ पा रहे, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी सुना रहे हैं। मसलन 19 में चुनावी नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने ढोल बजाना शुरू कर दिया था कि मोदी तो चुनाव हार गए, और अब कर्नाटक में चुनाव का ऐलान होने के साथ ही 19 की ही तर्ज पर 13 मई बीजेपी गई के स्क्रीनशॉट घूमने लगे हैं। टेक्स्ट बदल बदल कर नैरेटिव बनने लगे हैं। कांग्रेस की हालत यह है
कि अब वो इसी बात से खुश है कि राहुल को कितने लाइक्स और कितने रिट्वीट्स मिल रहे हैं। ट्विटर पर तो राहुल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, कांग्रेस इसी में अपनी जीत देख रही है। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी यही है कि लोकप्रियता के पैमाने पर प्रधानमंत्री के तौर पर 53% लोगों की पसंद मोदी ही है, जबकि राहुल के फेवर में बोलने वालों का परसेंटेज सिर्फ 14% ही है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पर राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। राहुल के पास पब्लिक का सपोर्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन ट्विटर पर पहला टेक्स्ट क्या चिपकता है कि बब्बर शेर संसद पहुंच गया। दूसरा टेक्स्ट फिट होता है कि राहुल अपने लक्ष्य पथ पर निकल चुके हैं। और जब राहुल संसद से बाहर निकलते हैं तो नैरेटिव यह बनता है कि राहुल ने चाय पे चर्चा की, बीजेपी की विदाई यात्रा शुरू कर दी। ट्विटर पर राहुल के फेवर में ट्रेंड सेट करके 1000-2000 लाइक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या इससे पब्लिक का वोट मिल सकता है? इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। एक सर्वे के मुताबिक 37% लोगों की राय है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और मोदी वर्सेस राहुल के इस कॉन्सेप्ट में सैफ्रॉन पार्टी को क्लियर कट एज है। बीजेपी का गेम प्लान ही यही है कि 24 में मुकाबला मोदी बनाम राहुल ही हो, यानी एक ऐसा प्रतिद्वंदी जिसकी कमियों और ताकत से बीजेपी अच्छी तरह वाकिफ है। 19 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तब बीजेपी और कांग्रेस के बीच 186 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुए थे, जिसमें से बीजेपी ने 92% के स्ट्राइक रेट के साथ 171 सीटें जीती थी। 2009 में सिर्फ 16% गरीब तबके के वोटर्स बीजेपी के साथ थे, 19 में यह आंकड़ा भी डबल हो गया, 36% पर पहुंच गया। सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। बीजेपी इसी पिच को 24 तक ले जाना चाहती है। राहुल पर अटैक, काउंटर अटैक, सब इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको ना तो राष्ट्र की जानकारी है और ना राष्ट्र नीति की। कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए, इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। अगर राहुल जी नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते? गांधी नेहरू परिवार के गुलाम नेता, उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए। राहुल गांधी गांधी नेहरू परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता है। ये अहंकार में डूबे हुए राहुल गांधी अलग अलग वर्गों का अपमान करते हैं, जातियों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, तो कुछ भी बोल दो, अभी तो केवल सांसद ही गई है और बंगला गया है। कांग्रेस ने अगर पिछड़ों से टकराने की कोशिश की तो एक दिन कांग्रेस का अस्तित्व भी चला जाएगा। यह बात सही है कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके पास आखिरी रास्ता बचा है। अगर राहुल को 24 का चुनाव लड़ना है तो उन्हें जल्द ही अदालत में अपील दाखिल करनी होगी, और अपील दाखिल करने के बाद उन्हें सजा पर स्टे लेना होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से चुनावी रेस में आ जाएंगे।
चुनाव आयोग ने इसीलिए वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है, राहुल को एक नई लाइफलाइन दी है। राहुल कमबैक कर सकते हैं, लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की तरह राहुल की सदस्यता भी बहाल हो सकती है और बीजेपी मन ही मन यही चाहती है। चुनावी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि राहुल के नाम पर कांग्रेस जो माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है वो कर्नाटक चुनाव के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, वो तो कांग्रेस का 24 वाला मास्टर प्लान है। मोदी चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोर्ट पे दबाव बनाना और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा राज है, तो भागे कौन, भागे कौन, भागे मोदी। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, बताओ काफिला क्यों लूटा, हम यह जानना चाहते हैं। आप आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बयान देते हैं कि अदानी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि जब से राहुल की सदस्यता गई है तब से पूरा का पूरा विपक्ष एक तरह से राहुल के पीछे आकर खड़ा हो गया है और बीजेपी इससे भीतर ही भीतर खुश है, क्योंकि राहुल गांधी को जितना माइलेज मिलेगा, राहुल जितने लाइमलाइट में रहेंगे, 24 में मोदी के सामने उतने कम विरोधी होंगे, क्योंकि विपक्षी खेमे में राहुल का कद बढ़ने से कई सारे प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट्स खफा होंगे, आपस में ही लड़ेंगे, इसीलिए नेगेटिव ही सही बीजेपी स्ट्रेटजी के साथ राहुल को हीरो बनाने में जुटी है। इसका असर अभी से दिखने लगा है। राहुल ने जब से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का नाम लेकर मोदी को टारगेट किया है तभी से महाअघाड़ी खेमा बेचैन है। संजय राउत सोनिया राहुल से मिलने के बाद ट्वीट करके भले ही ये बताएं कि सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर खाने खबर तो यही है कि अब सार्वजनिक मंच पर राहुल वीर सावरकर का नाम लेने से बचेंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कमिटमेंट दे दिया है, इसीलिए संजय राउत भी अब खुलकर बोलने से बच रहे हैं। जो सवाल पूछता है उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होती है, उनका घर खाली किया जाता है, उनको 2 साल की सजा होती है, क्या यही है आपकी डेमोक्रेसी? लेकिन मेरा घर राहुल गांधी का घर, कैंपेन भी अभी सर चल रहा है। जी हाँ, पूरा हम भी उसमें शामिल होंगे। सर एक चीज आखिरी बार एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्या जो आपकी नाराजगी थी राहुल गांधी से सावरकर को लेके वो दूर हो चुकी है? देखिए, हमारे सभी नेताओं से बातचीत हो गई है, फिलहाल हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये तो राहुल की बात हुई जिन्हें कांग्रेस महान का सर्टिफिकेट बांट रही है, 24 का योद्धा बता रही है। एक दूसरा प्लेयर भी है, यानी अरविंद केजरीवाल, वो भी इन दिनों राहुल वाले फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं, मोदी पर हमलावर हैं। यानी जो लाइन राहुल की है वही लाइन अब केजरीवाल ने भी पकड़ ली है। ये वही केजरीवाल थे जो कल तक ये क्लेम कर रहे थे कि मोदी एक एक घंटे तक सिर्फ उनका नाम लेते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं। मगर 2 दिन से दिल्ली विधानसभा के भीतर जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल से मोदी नहीं, मोदी से केजरीवाल ऑब्सेस्ड हो गए हैं। 17 मिनट के भाषण में 10 या 20 बार नहीं 40 से ज्यादा बार मोदी का ही नाम जप रहे हैं। पहले मंगलवार का सैंपल देखिए, फिर बुधवार का सैंपल दिखाएंगे। मोदी जी तब मोदी का लगा, मोदी जी का, मोदी जी का, मोदी जी का, मोदी जी डूबेंगे, मोदी जी को उनके, मोदी जी तब मोदी जी, मोदी जी का, मोदी जी, मोदी जी ने, मोदी जी, मोदी जी का, मोदी जी मेरे, मोदी जी, मोदी जी ने, मोदी जी ने, मोदी जी ले, मोदी जी ने, मोदी जी ने तो मोदी जी ने, मोदी जी के पास, मोदी जी के पास, वो मोदी जी, मोदी जी के, मोदी जी के पास, मोदी जी करते, मोदी जी से, मोदी जी ले, मोदी जी निकाल, मोदी जी की, मोदी जी इतना, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी पैसा, मोदी जी, मोदी जी देना, मोदी जी दुनिया, मोदी जी दुनिया। मोदी की इमेज पर यह टारगेटेड अटैक सिर्फ एक फ्रंट से नहीं हो रहा, दूसरा फ्रंट भी है और वो है केजरीवाल का फ्रंट। केजरीवाल कैमरे पर आकर मोदी की छवि को डैमेज करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुनाए जा रहे हैं, और जब इतने निचले स्तर के बयान से भी मन नहीं भरा तो अनर्गल आरोप लगाते हुए सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी है कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। अडानी तो केवल फ्रंट है,
अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है, अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? जितना कांग्रेस ने 75 साल में नहीं लूटा उससे 10 गुना इन्होंने 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर लूट लिया था। केजरीवाल का मोदी मोदी बैक टू बैक दूसरे दिन भी सुनाई दिया। से पल्ला झाड़ने के लिए केजरीवाल ने अब मोदी को ही भ्रष्ट बता दिया। सुविधा अनुसार ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारी गलती है, ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे अब एक ही पार्टी में, बीजेपी में। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही, उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। मोदी को गाली दो, हर 5 मिनट में झूठ बोलो, राहुल और केजरीवाल यही ट्रेंड चला रहे हैं। बाकी काम ममता बनर्जी कर रही हैं, मोदी के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं, स्टेज पर वॉशिंग मशीन लगाई, पीछे से किसी ने माइक का बटन दबाया और मोदी विरोधी टेप ऑन हो गया। वॉशिंग मशीन। दीदी ने तो अभी से धमकी दे दी है कि वो अभी कोलकाता में हैं, डराओ मत, धमकाओ मत, नहीं तो मोदी के घर के बाहर भी आकर बैठ सकती हैं। ममता जी को धरना दिखाने से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहाना मत बनाओ। ममता जी का इज्जत हिम्मत है, अगर जरूरत पड़े तो पीएम का हाउस का पास में भी ममता जी बैठ सकते हैं। इतना हिम्मत तो हमारा है, हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही दिन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने पैरेलल प्रोटेस्ट किए। बीजेपी ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैदान में थी, तो दीदी और राहुल की पार्टी मोदी के खिलाफ धरने पर बैठी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 का नैरेटिव क्या होगा। मोदी ने तो क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि 24 का इलेक्शन करप्शन और परसेप्शन की लड़ाई में तब्दील होगा, इसीलिए विरोधी खेमे में इतनी टेंशन बढ़ी हुई है और सब मोदी पर ऑल आउट अटैकिंग मोड में आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोदी से लड़ तो सब रहे हैं, लेकिन कोई खेमा इकट्ठा नहीं दिख रहा, यानी 24 तक विरोधियों की आपसी फाइट ही चलेगी, मोदी का रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। हिंट नीतीश कुमार ने दे दिया है। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती, तो हम तो इसी इच्छा में इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं, उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। इस वक्त दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग चल रही है जिसमें एक ऐसे समाज के सांसदों को बुलाया गया है जिसका सबसे बड़े वोट बैंक पर होल्ड है,
बीजेपी एक ऐसी कम्युनिटी के सांसदों के साथ मीटिंग कर रही है जिसके वोटर्स उसे सबसे ज्यादा वोट करते हैं। यह ऐसा समाज है जिसकी आबादी 40% से ज्यादा है, ऐसा समाज है जो देश की सारी सीटों पर जीत हार तय करता है। इस समाज के नुमाइंदों की मीटिंग में मोदी मोदी क्यों हो रहा है? मोदी मोदी वाले नैरेटिव को सबसे ज्यादा फैलाने का जिम्मा भी इसी समाज को दिया गया है। पिछले 3-4 दिनों से पूरे पॉलिटिकल अरीना में मोदी मोदी चल रहा है। राहुल गांधी मोदी मोदी कर रहे थे, केजरीवाल मोदी मोदी कर रहे हैं, और ये मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है तो फिर ये मोदी और कौन है? इस साल और अगले साल जितने भी चुनाव हैं उनमें ये मोदी करेंगे क्या, आपको समझाते हैं। वो मोदी कौन हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई? वो मोदी कौन हैं जिनकी वजह से राहुल गांधी संसद भवन के दरवाजे तक तो जा सकते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं जा सकते? मोदी आए कहां से? मोदी होते क्या हैं? मोदी की जाति क्या है? इस जाति का बैकग्राउंड क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। भारत में मोदी सरनेम का इस्तेमाल बेसिकली दो कम्युनिटीज के लोग करते हैं, तेली और बनिया, लेकिन गुजरात में मोदी लिखने वाले ज्यादातर तेली समाज के लोग होते हैं। अब सवाल यह है कि मोदी कम्युनिटी के लोग कहां से आए, उनका ओरिजिन क्या है? कहते हैं 15वीं और 16वीं सदी में एक घुमंतू समुदाय गुजरात आकर बस गया। वो मूंगफली और सीसम का तेल निकालने और उसे बेचने का काम करने लगा। कहीं पर इन्हें तेली कहा गया और कहीं पर घाची या फिर घाचा कहा जाने लगा। गुजरात के मोधेरा एरिया में एक मोधेश्वरी देवी का मंदिर है। मोधेश्वरी माता के अनुयायियों को मोध घाची कहा जाता था। यही लोग जिन्हें मोध घाची कहा जाता था वो अपना सरनेम मोदी लिखने लगे। नरेंद्र मोदी इसी मोध घाची समुदाय से आते हैं और ओबीसी समाज का हिस्सा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि मोदी के अपमान का मतलब सीधे सीधे ओबीसी वोटर्स की नाराजगी। ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ, अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं तो इसमें और कोई अहमियत नहीं बची हुई है। ओबीसी इसमें कहां से आ गया? जिन लोगों का नाम उन्होंने, दो लोगों का नाम लिए थे, नीरव मोदी वो ओबीसी है ही नहीं, ललित मोदी ओबीसी है ही नहीं, तो ओबीसी कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल अजीब सी मजाक है। मोदी का मतलब है ओबीसी और ओबीसी का मतलब है पूरे देश में 40% से ज्यादा वोट। बीजेपी ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। मिस्टर राहुल गांधी अपने अहंकार के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। 24 से पहले 2023 में जितने बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं ओबीसी हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसे कर्नाटक के सैंपल से समझते हैं। कर्नाटक में 55% वोट बैंक ओबीसी कम्युनिटी का है, 17% वोट दलित समाज का है, 7% ट्राइबल वोट है यानी आदिवासी वोटर है। लेकिन इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट ओबीसी वोट बैंक है जिसका शेयर 55% है।
बीजेपी ने देश के सबसे पॉपुलर लीडर को ओबीसी टैग करके पूरा पासा पलट दिया है। बीजेपी की मैसेजिंग क्लियर है, कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया है और मोदी का मतलब ओबीसी है। उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। कर्नाटक में ओबीसी में दो कम्युनिटी सबसे पावरफुल हैं, लिंगायत और वोक्कलिंगा। लिंगायत 18% है और वोक्कलिंगा 16%। यही 34% वोट बैंक कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट और डिसाइडिंग कम्युनिटी है। 55% ओबीसी वोट बैंक का मेजर हिस्सा इन्हीं दो कम्युनिटी में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सारे बड़े लीडर्स भी इन्हीं दोनों कम्युनिटी से आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ओबीसी हैं। बीएस येदुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया भी ओबीसी हैं। कांग्रेस के ही डीके शिवकुमार वो कलिंगा कम्युनिटी से आते हैं। मोदी पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, लेकिन कर्नाटक में जीत का दावा पूरा है। हमारे जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस वहाँ मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी और राहुल गांधी जी भी उस एरिया में दौरा करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे और दूसरे हमारे पार्टी के भी जो वरिष्ठ नेता लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, वो भी करेंगे। तो हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीने में 7 बार कर्नाटक जा चुके हैं, अमित शाह 9 बार और जेपी नड्डा 10 बार कर्नाटक गए हैं। 25 मार्च को मोदी 7वीं बार कर्नाटक विजिट पर पहुंचे। हर बार वो ओबीसी वोटर्स के बीच गए या फिर एससी कम्युनिटी के लोगों को कनेक्ट किया। मोदी का हर कर्नाटक दौरा किसी न किसी वोट बैंक पर फोकस था। 12 मार्च को वो मांड्या गए जहां वो कलिंगा कम्युनिटी की आबादी जबरदस्त है। मांड्या जेडीएस का गढ़ है। इस जिले में 8 सीट हैं, 7 जेडीएस के पास हैं, सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास है। मांड्या में मोदी ने रोड शो किया था, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। मोदी चाहते तो किसी और लोकेशन से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मांड्या को सिलेक्ट किया क्योंकि ये बीजेपी के लिए मोस्ट चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट। मोदी यहां खुद फोकस कर रहे हैं, लोकल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में
मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। आज देश में भर लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। कर्नाटक में मुख्य तौर पर 6 रीजन है। कित्तूर कर्नाटक, जहां विधानसभा की 50 सीट है, कल्याण कर्नाटक जहां 41 सीट है, सेंट्रल कर्नाटक 25 सीट, साउथ कर्नाटक 61 सीट, कोस्टल कर्नाटक में 19 और बेंगलुरु अर्बन में 28 सीट है। सेंट्रल कर्नाटक की सीट पर लिंगायत समुदाय डिसाइडिंग पोजीशन में रहता है। येदियुरप्पा खुद सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से आते हैं, इसी वजह से शिवमोगा और चिकमंगलूर में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। बीजेपी इज एवर रेडी पार्टी विद द स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम बूथ लेवल टू द नेशनल लेवल एंड वी हैव डन लॉट ऑफ अभियान्स वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल वॉज ट्रेमेंडस एंड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डबल इंजन गवर्नमेंट हैज डन ट्रेमेंडस जॉब्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ बेनेवोलेंट टू द फार्मर्स वर्कर्स वुमन यूथ्स एंड SC/ST एंड OBCs therefore the entire Karnataka cutting across all sections of the people have showed a great deal of support for last 3 months I visited more than 120 constituencies and I am sure that on May 13th BJP will have a handsome victory. महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे कित्तूर कर्नाटक रीजन में भी लिंगायत समुदाय का दबदबा है, इसलिए बीजेपी को वहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन साउथ कर्नाटक में गौड़ा ज्यादा है, यानी वोकालिंगा कम्युनिटी के लोग वहां ज्यादा हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा इन्हीं इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। अमित शाह ओल्ड मैसूर रीजन में गए, वोकालिंगा कम्युनिटी के मठ में गए। जेपी नड्डा कल्याण कर्नाटक के रीजन में गए, जहां SC/ST कम्युनिटी के मठ है। बीजेपी एक तरफ कर्नाटक के स्थानीय लोगों के एस्पिरेशन को समझ रही है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स को नल एंड वॉइड करने की कोशिश कर रही है। खरीदा हुआ MLA सब मंत्री है, सब अपना लूट में लगे हैं, इसलिए लोग परेशान हो गया है। परेशान इसलिए है 40% कमीशन, बम्बई का PCM, इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में करप्शन, हर इलाके में इतना भ्रष्टाचार है, लोग त्राही माम है इधर। इसलिए इसके खिलाफ लोग आवाज उठाने का मौका मिल गया है, लोग जवाब देंगे। अभी तक लग रहा था कि कर्नाटक में कहीं कहीं बीजेपी की गाड़ी फंस रही है, लेकिन OBC वाले इश्यू ने अचानक उसे किक स्टार्ट दे दिया है। OBC वाला टेम्पलेट इसलिए चुना गया क्योंकि कर्नाटक में ये गेम चेंजर हो सकता है। आज नवरात्रि की अष्टमी का दिन है। आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व का झंडा गाड़ा। बाबा बागेश्वर ने मुस्लिम भाइयों को ओपन इनविटेशन दिया है। ज्यादातर बाबा पर भड़काने का आरोप लगता है, लेकिन आज बाबा ने ऐसा क्या किया कि मुस्लिम खुश हो गए? बाबा के दरबार में एक मुस्लिम गया तो ऐसा क्या हुआ कि वो खुश हो गया? इस रिपोर्ट में देखिए। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी आए ही इसीलिए हैं बागेश्वर बालाजी कि अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। अब तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने साफ, हरी हरी बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे।
हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र के बाद क्या है बाबा बागेश्वर का अगला प्लान? ये बात 100% सच है कि बाबा के पंडालों में इस वक्त लाखों की भीड़ जुट रही है। पिछले 2 महीनों में बाबा बागेश्वर ने सनातन की एक बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर दी है, लेकिन विरोधियों का बीपी इसलिए भी हाई है क्योंकि बाबा के भक्तों में केवल हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी है। महाकौशल में चर्चा इस बात की भी है कि बाबा की अगली कथा कोई हिंदू नहीं बल्कि कटनी के तनवीर खान करवाने वाले हैं। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई, हिंदुओं में होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने आज कहा गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। बहुत जल्दी कटनी में मुसलमान परिवार द्वारा राम की कथा गाई करवाई जाएगी। बाबा अपनी हर कथा में हिंदू राष्ट्र का जयघोष करवा रहे हैं। विरोध के बाद भी बाबा के शो हाउसफुल जा रहे हैं। बीजेपी खुलकर बाबा का सपोर्ट कर रही है और बाबा भी बिना नाम लिए इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।